कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कविता की पहली लाइन का ये हाल है। अच्छा ना दो दादी की मर्जी, हमारे यहाँ जी दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। वो एक बार मेरी दादी ने काम हो रिया साहब, मेरी दादी ने एक बार मेरे दादा से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो दादा ने दादा क्या कही सुनना, बोला किसी का सिर फोड़ दूँ मैं, चांद तारे तोड़ दूँ मैं, धरती ने पाड़ रानी पानी काट लाऊँ मैं, किसे का सिर फोड़ दूँ मैं, चांद तारे तोड़ दूँ मैं, धरती ना फाड़ रानी पानी काट लाऊँ मैं, और एक बार बोल दे तू मुँह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने आली झाड़ लाऊँ मैं, और खान के छुहारे लाऊँ आलू के बुखारे लाऊँ, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लाऊँ मैं, और काया का मैं दारा सिंह बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ लाऊँ मैं। अब दादी की बात सुनिए, दादी कौन सी दादा से कम है, बोली तसले तू चार गेर गोबर के यार गेर, और भैंस ना नुआ के जोड़ जावे ना तू एक बे, और ओढ़ के दुपट्टा मेरा सीमट का कट्टा मेरा, मारे घर में है गेर आवे ना तू एक बे, और इतना उफण रहा दारा सिंह बन रहा, अरे भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार। इतना उफण रहा दारा सिंह बने रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बार, और लाग रही से ठूठी बाजू लिल्लू वाले घेर के माँ उसने उखाड़ के दिखावे ने तू एक बार। तो साहब दादा दादी का तो ऐसा काम होता, तो मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। सांस्कृतिक कविता संस्कृति से जुड़िएगा, जितने भी अभूतपूर्व युवा बैठे याद आ जाएगा आज बचपन के, धोती के थी कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी, उससे तो नहाते उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती, और धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। वाह, हंसोगे तो अब नानी और दादा की यारी थी। वाह भाई, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। पहले ऐसा हुआ करता हमारे घर में, मेरी नानी आती ना, मेरे दादा कह करता सुंदर रहे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नहाली कि नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब ये बात सुनेगी तो दादी कितके धोते धोगेगी। दादा और नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी, दादा धोती ने जीत लाता, और जिब भी नानी बुलाती इससे न बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, और चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था, धोती पूरे गांव में छाली थी, और ईब तक तो कई बराता में जाली थी, और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाड्डू तो कदे जलेबी ले आई थी, पहला मांग के पैर जाए करते। धोती की किस्मत में राजयोग था, उसका हमने बड़ा सहयोग था, और चेतन जी धोती के थी कति जहरी थी, एक बतो गांव के सरपंच ने भी पैरी थी। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी। अंतिम पंक्ति में कविता सार्थक हो जाए तो ताड़ियां उठा देना। खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी, पर दादी धोती ने देखती झीक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दीख्या करती। दादी धोती ने देखती झीक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिख्या करती, तो जिब भी देखती बैठ कर रोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। वाह भाई वाह।
मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मैं राष्ट्रकवि संगम के इस पावन मंच पर खड़ा हूँ और राष्ट्रकवि संगम का एक ही उद्देश्य है राष्ट्रबोध की, भावबोध की कविताएं। हास्य लिखता हूँ, हास्य पढ़ता हूँ, लेकिन जब राष्ट्रकवि संगम की बात करता हूँ तो मैं कौन सा भारत से अलग हूँ और मैं कौन सा कुंवारा हूँ। शादी से पहले मैं वीर रस लिखता था तो एक आधी रचना तब की लिख रखी है जी। तो एक रचना आप लोगों के सामने मैं राष्ट्रकवि संगम के उद्देश्य को सार्थक करते हुए आप लोगों के सामने रखता हूँ। कविता मैंने तब लिखी थी जब JNU का कांड हुआ जी। स्वागत है भाई। आप सब वीर रस के सबसे बड़े पुरोधा हो, मेरा सौभाग्य मैं आपको सुना रहा हूँ देसी स्टाइल में। सुनिएगा कि डाडी आड़े, वे जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं ना, वे सारे डाडी आड़े हैं। डाडी आड़े बकरिया ने मैं घड़का आना चाहूँ सू। डाडी आड़े बकरिया ने मैं घड़का आना चाहूँ सू और मैं भी एक बे JNU में पढ़कर आना चाहूँ सू। अरे वाह वाह। मेरा भी जी कर रहा हिंदुस्तानी नारे लाण का, गीत विरोधी जिन ने लिखे उन कूट का आण का, शारदा माँ की पवित्र धरा ने गंदा क्यूकर कर देंगे हम अपने आड़ी पे आगे तो सोड सी उनकी भर देंगे। ये होता है वीर रस में हास्य रस। हम अपने आड़ी पे आगे तो सोड सी उनकी भर देंगे, तोड़ थोबड़ी उनके 32 दांत गिनाना चाहूं सू और मैं भी एक बे JNU में पढ़कर आना चाहूं सू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहते हैं। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, TV पे तो आ जाए एक बार, हरियाणा में ना आके दिखावे बेरा पाट जाए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जिंदाबादी झंडे तम ले रहा हो सो, मुछ मुंडो तम ताकत अपनी मर्दाना दिखलाओ सो, एक रैपटा मार दिया ना चक्कर कई दिन खाओगे और इन झंडिया के चक्कर में अपने झंडे फड़वाओगे। एक रैपटा मार दिया ना चक्कर कई दिन खाओगे और इन झंडिया के चक्कर में अपने झंडे फड़वाओगे, लातम लाता दे तोड़ के धूल चटाना चाहूं सू और मैं भी एक बार JNU में पड़काना चाहूं सू। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है या फिर स्कूल में बिठा के बम से उड़ा दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि उम्र तकाजा कर रही थारी मौत खड़ी से त्यार कती, उम्र तकाजा कर रही थारी मौत खड़ी से त्यार कती, बकना छोड़ो आओ लड़ने डरते को ना यार कती। एक धसड़ की मारी ना यो जोर फेरना दिखेगा और हमने लाठी ठाली तो लाहौर फेरना दिखेगा। उन पागल कुत्तिया ने एक बे छड़का आना चाहूं सू और मैं भी एक बे JNU में पड़का आना चाहूं सू। पर हमने बस कुर्सी चाहिए, हमारी ये समस्या है। पर हमने बस कुर्सी चाहिए, उसके मुंह में फंसे पड़े से और राजनीति के दलदल में कुछ घटिया नेता धसे पड़े से। बन जाए एक बे हम पटेल या छाती 56 इंच फुला जाए, पाकिस्तानी औकात दूर हम पूरी दुनिया पे छा जाए। इन बातों पे पप्पू ते मैं लड़का आना चाहूं सू और मैं भी एक बे JNU में पढ़कर आना चाहूं सू। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने कविता लिखी थी आदरणीय बाबूजी के लिए, आज उनका जन्मदिवस और कविता से बढ़िया उपहार उनके लिए कोई नहीं हो सकता। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, वैसे मैं आप पढ़ सकता हूं, मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस कविता के मात्र 2 बंद जिनमें मुझे लगता है कि वो मुझे पढ़ने चाहिए, कि मात पिता सा कट्ठा देते प्यार हमारे बाबूजी। वाह। मात पिता सा कट्ठा देते प्यार हमारे बाबूजी, नए कवि की कविता के उद्गार हमारे बाबूजी। और बाबूजी मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि आपने कदम बढ़ाया हम भी आगे बढ़ते चले गए, दोहे मुक्तक गीत गजल सब लिखते पढ़ते चले गए, और शब्द शब्द के अभाव जान के अर्थ कसूता पा गए हम, और कविता का परचम भी पूरी दुनिया में फहरा गए हम। रोज बनाते नए नए फनकार हमारे बाबूजी और नए कवि की कविता का उद्गार हमारे बाबूजी।
और अंतिम पंक्तियां रखते हुए मंच से विदा लूंगा कि प्यार आपका नई कलम ने जब तक न्यू मिलता रहेगा, माँ वीणा पानी के वर्त है सदा कमल खिलता रहेगा। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा नारा जग में छा जाएगा और मेरा भारत पूरी दुनिया के मां धुम्मा ठा जाएगा। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा नारा जग में छा जाएगा और मेरा भारत पूरी दुनिया के मां धुम्मा ठा जाएगा। राष्ट्र कवि संगम के हैं आधार हमारे बाबूजी और नए कवि की कविता का उद्गार हमारे बाबूजी। धन्यवाद।